सो गाइस, पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग। और गाइस, मैं जो है आज बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, और वो मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ कि मेरा भाई आया है, मेरा कज़न मोहित राज उर्फ मॉन्टी, जो कि शेफ़ है, शेफ़ बन गया है। तो मैंने कहा भाई, तू पूरा 4 साल कंप्लीट करके आया है, शेफ़ बन गया है, तो हमारे लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बना। तो वो हमारे लिए जो है आज पनीर रोल बना रहा है। तो पनीर रोल की उसने अंदर जो है पूरी तैयारी कर ली है, वो अंदर है किचन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या क्या कर रहा है, तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखना और आप भी सीखोगे कि पनीर रोल कैसे बनाते हैं। तो पूरी वीडियो देखना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल मज़ा ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो अंदर क्या कर रहा है, ठीक है। ये है हमारे शेफ, हमारे मोहित राज। हेलो गाइस, हाय 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 करिए पहले। ये देखिए आप हमारे शेफ के हाथ, देखिए फुल हाइजीन, और क्या उन्होंने ग्लव्स वगैरह भी मेंटेन किए हुए हैं, हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, ग्लव्स वेयर किए हुए हैं। देखिए अच्छे से, देखिए आप अच्छे से चॉप कर रहे हैं। तो शेफ, आप हमें बताएंगे आप क्या बना रहे हैं? पनीर रोल। पनीर रोल बन रहे, तो आप हमें बताइए इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या शुरुआत, क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? पहले हमें चाहिए गाजर। अच्छा, फिर चाहिए कैप्सिकम, लाइक दैट। अच्छा, ये देखिए। हाँ, और कैप्सिकम चाहिए। अच्छा, इसको करना कट। हाँ जी, बहुत फाइन शार्प कर रहे हैं, एकदम मस्त। और आपको शायद इसको सीखने में कितना टाइम लगा होगा? 5 साल लगे होंगे, 4 साल तो लगे होंगे यार। तो और बताइए, और क्या कहते हैं इसके अलावा और क्या क्या चाहिए होगा हमको? पूरी वेजेस बता दीजिए। शिमला मिर्च। अच्छा, गोभी। अच्छा, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, और एक ऑनियन हो गया, और ये पनीर है जो कि हमने पानी में भिगा रखा है जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, ये देखिए फाइन चॉप करके रखते जा रहे हैं। चॉप नहीं है, जुलियन है। जुलियन क्या है? जुलियन, जुलियन है, कटिंग, कटिंग जुलियन है। हाँ, चलिए ये देखो हाथ, और देखिए मम्मी भी हंसते हुए कि उसका हाथ चलते हुए हाथ कितना परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं कटिंग। ये देखिए गाइस, आप घर में बिल्कुल ट्राई ना करें, अगर आपको प्रैक्टिस है तभी करें, वरना इसमें हाथ वाथ कटने का डर होता है। हमारे शेफ को देखकर मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मैं अपना हाथ काट दूंगी इसलिए मैं नहीं करूंगी। और देखिए फुल हाइजीन मेंटेन की हुई है, ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, तो मतलब अच्छे से खा सकते हैं आप। अब कटेगा ऑनियन, ठीक है, काफी अच्छे से। ये देखिए, और ये देखिए हमारे शेफ की ब्लेड, हमारा नाइफ को शार्प करने के लिए। ये देखिए इससे मस्त आपका नाइफ जो है शार्प हो जाता है। वाओ वाओ वाओ, ये हुई ना बात। मुझे बहुत मजा आता है ऐसे देखने में। फाइन जुलियन कटिंग। अब क्या रह गया सर शेफ हमारा? अब रह गया पत्ता गोभी। यस, अभी नहीं बांधे कैबेज। अरे दे दे, अंडन हो रहा है। वाह वाह वाह, और ये हमारे सारी वेजीज कट के बाउल में जा रही है। कटेंगे हम कैबेज। अब आएगी हमारी कैबेज की बारी। कैबेज हमको ढंग की मिली नहीं,
पर जो मिली बस उठा के ले आए। लेकिन हमारे शेफ कर ही देंगे कुछ ना कुछ। ये देखिए, ये है जो वेस्ट से हटा दीजिए, और ये देखिए। अरे वाह, इसको देख के तो मुझे अब चाउमीन खाने का मन कर रहा है शेफ। ये तो बिल्कुल चाउमीन वाली वेज हो रही है, सारी वेजीज हो रही है। अरे गजब गजब गजब, मजा आ गया देखकर। और इसमें हम और मतलब कोई जो सब्जी है वो ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ। क्या क्या? वो जुगनी। जुगनी। और क्या कर सकते हैं? बस। अच्छा, ये देखिए आप बहुत फाइन कटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, मजा आ रहा है देखकर, और मेहनत भी पूरी लग रही है इसमें। और ये हमारी जैसे ये फिनिश हो गई है, और अब नेक्स्ट स्टेप होगा, देखते हैं शेफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमारी रेडी हो गई शेफ, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मैंने गैस चलाया। अच्छा, ये हमारा गैस जल गया है, और अब कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा। अच्छा, ये चिमनी ऑन कर दूंगी, आप ऊपर से हाथ हिला दीजिए जरा। अब प्रीट हो गया है, ये हो गया है हमारा। अब इसमें क्या डलेगा? इसमें जाएगा सामान पूरा। अच्छा, तो ये देखिए सामान जाएगा, और कैप्सिकम, अनियन, कैरेट। अच्छा, हमारा गार्लिक पेस्ट है। तो ये आएगा और गार्लिक पेस्ट, हमारा गार्लिक पेस्ट है। आप सारा बोलते थे गार्लिक पेस्ट थोड़ा लाउड, गार्लिक पेस्ट लगा है हमारा सबसे किसी को चौमिन लाने के दे रहे हैं। मैं गार्लिक पेस्ट मस्त कुछ बता वो चौमिन का बहुत फिलहाल जाते हैं, और लेकिन ये बन रहा है पनीर रोल, अभी तो पनीर भी आएगा। वैसे अगर शायद कोई पनीर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कई लोगों के पनीर भी खाते हैं। अच्छा, अंडा चिकन मटन। अच्छा, मतलब नॉन वेज भी डाल सकते हैं। ओके, काला मिर्च, काला मिर्च, और हमारे शेफ को पसीना निकल के रही। मसाला, ये हमारे शेफ का स्पेशल मसाला है जो शेफ ने खुद बनाया है। मतलब शेफ बढ़िया है, अब आपकी शादी होगी कभी तो आपकी बीवी के भी मजे रहेंगे, आपकी वाइफ के काफी मजे रहेंगे। आगे देखिए शेफ के पसीना निकलता हुआ, बहुत गर्मी है अभी हमारा। आप बताएंगे कौन सा विनेगर है? अरे बता दीजिए, ये वाइट विनेगर है। आप देखेंगे टमाटो केचप, ठीक है। और वाह, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत बढ़िया सी स्मेल आ रही है। आपका लड़की भी काफ़ी सुंदर, कितना सुंदर समय आ रहा है। और हमारे शेफ को बहुत गर्मी लग गई है, तो हमारे शेफ आप थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए,
बहुत गर्मी लग गई है एक्चुअली। देहरादून का टेम्परेचर गाइस सच में बहुत गर्म है यहाँ पे। अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 32-39 के आसपास रहता है, कभी कभी तो 40 भी चला जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और हमारे शेफ जो है साथ में कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हुए ताकि उन्हें गर्मी लगे। शेफ यहाँ मैं भी हूँ, मुझे भी गर्मी लग रही है। शेफ आप कैसे भूल गए, कैमरा मैन को भी गर्मी लगी, एक ग्लास कैमरा मैन के लिए भी लगाया जाए, ये तो बैड मैनर्स है शेफ। और गाइज ये मेरी कोल्ड ड्रिंक भी लग गई है, ठीक है अब मैं भी पी रही हूँ। ओह कैमरे के पीछे खड़े रहना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे भी पसीने टपक रहे हैं, मेरे पसीने दिख रहे हैं गाइस। और अब आ गया है यहाँ पे पनीर का सेशन स्टार्ट। देखिए अब हमारा पनीर कट रहा है। ओके क्यूब साइज में काटना है आपको पनीर। और गाइज आप मेरी वीडियो में कमेंट करें कुछ भी, मतलब आपको ऐसा लगा कि हमने कुछ भी स्किप किया या आपको कुछ भी जानना हो तो आप हमारे जो ये शेफ हैं मोहित राज उनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पनीर भी फ्राई कर दिया है। और गाइज ये है रोल्स, ये हमारे शेफ ने बना के रखे थे। और शेफ हम इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाए, आप बता देंगे कैसे बनाया आपने? हाफ पकाया। हाँ हाँ हाफ डन, हाफ पकाया है इसको, मतलब पूरा नहीं पकाना है इसको, ठीक है। ये देखिए आप, मतलब थोड़ा क्या बोलेंगे, अधकच्ची सी बोलते हैं जिसको ना, अधकच्ची वाली रोटी सी बनानी है थोड़ी, मतलब जो थोड़ी पक्की हो और थोड़ी कच्ची सी भी रहे, ठीक है। तो ये देखिए ये मैदा है, मैदे की बनाए हैं रोल्स। तो अब देखिए कैसे इसकी फिलिंग होगी, अब ये फिलिंग करेंगे हमारे शेफ, तो देखते रहिए आप। अब है तवे का काम, तो तवा रख दिया है गैस में और गैस होगा ऑन। आप तवे को करेंगे गरम, आप देखिए प्री हीट करेंगे और इसमें अवन वगैरह का कुछ काम नहीं है ना। ओके ये अब ऑयल जा रहा है, ये देखिए तवे में इतना सा बस। अच्छा सिर्फ उसकी कोटिंग करने के लिए ना, कोटिंग करने के लिए थोड़ा सा और डाल दीजिए आप मेरे हिसाब से, कटने से डाल दीजिए। और ये देखिए गाइस अब ये शेफ जो है इनको हल्का सा हीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा रोल रेडी हो रहा है। गाइस मुझे मैदा खाना मना है, बट गाइस अब क्या करेंगे, एक तो खाऊंगी मैं। गाइस मेरी दवाइयाँ चल रही तो डॉक्टर ने मुझे मैदा खाने को मना किया, बट क्या करें अब भाई बना रहा है तो थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा ना। और ये देखिए हमारा ये जो है दे रहे हैं इसको थोड़ा मैदे वाली रोल, और इसमें इसकी फिलिंग होगी जो अभी हमने ये बनाया है माल पानी। हो गया आप देखिए गाइस इसकी फिलिंग कैसे थी, फिलिंग की बारी आ गई है। अब गाइस आप देख ले हाइजीन मेंटेन है, फिर से ग्लव्स पहन लिए गए हैं और ये फिलिंग डाला जा रहा है और पनीर भी जा रहे हैं इसमें। और ये देखिए गाइस अब ये रोल हो रहा है जिसका नाम ही पनीर रोल वेज रोल है। ये देखिए ये रोल हो गया है, अब हमारे शेफ इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हो गया है कट, अब हम दूसरा वाला रोल डालेंगे। ये देखिए वाओ, ये लीजिए जिसे खाना है। गाइस हमारे शेफ ने एक साथ दोनों डाल दिए, और ये हमारे रेडी हो गए हैं। रोल की फिलिंग होते हैं, नॉर्मल हाँ जी गाइस, अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते हैं तो आप रोटी से भी बना सकते हैं, और इसके तो काफी एग रोल भी बनता है इसका। और एक बार मेरे जीजू ने बनाया था एग रोल, और ये है आपका पनीर रोल। और हमारे शेफ बता रहे थे कि नॉनवेज वाला भी था, एक्चुअली मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे तो पता नहीं है,
मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नॉन वेज वाला भी बनता है। और ये देखिए शेफ, आप एक काम करेंगे, जो मेरे लिए बना रहे हो उसमें पनीर हटा दीजिए, क्योंकि मुझे पनीर पसंद नहीं है। यस, ये है ना हमारा अच्छा वाला भाई हमारा, ये मेरे लिए बन रहा है तो इसमें पनीर नहीं रहेगा। एक पीस आने दीजिए, एक काम कीजिए, आपके मन रखने के लिए हम खा लेंगे, मैंने पनीर में पसंद नहीं है। बस ये ठीक है, ये हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, बस पनीर मुझे पसंद नहीं है। बस बस बहुत ज्यादा हो गया, और ये हो गया तैयार, और ये बन गया है हमारा रोल, रेडी हो गया। गाइस आप घर में ट्राई कर सकते हैं, काफी इजी तरीके से सिखाया है हमारे शेफ ने, तो आप बना सकते हैं इसको। ओके और गाइस ये देखिए हमारा पनीर रोल बनकर रेडी है, हमारे शेफ ने देखिए कितना अच्छा बनाया है, देखने से ही कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल। और ये देखिए आप, तो शेफ आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में, आपने इतना अच्छा वेज रोल बनाया, सॉरी पनीर। तो देखिए हमारे शेफ जो है अपने आप बनाकर खुद खा रहे हैं और बता रहे हैं कैसा बनाया। और वैसे भी हर शेफ जो है पहले टेस्ट करता है फिर बताता है कि क्या है। तो गाइज अगर आपको मेरे भाई का ये जो पनीर रोल की रेसिपी जो पसंद आई, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए अब मैं भी खाती हूँ, मिलते हैं फिर बाद में।